महोदय, ये आप राशन की गाड़ी लेके कहाँ जा रहे थे? मैं मेरा गोद लिया हुआ, मेरा संसद एरिया में मेरा एक गोद लिया हुआ गार्डन बंदा पानी बागान, जो काफ़ी सालों से, कम से कम 20 साल से बंद पड़ा हुआ है बागान, और उनके लिए मैं मेरा गोद लिया हुआ बागान बंदा पानी, उसमें मैं जो भूख प्यास से इस समय डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनका अभी कहाँ रोज़गार बंद हो गया है, इसीलिए मैं आया, मैं कुछ सामग्री लेके आया था, है ना, सब्जी उब्जी लेके आया था जी, आपका चावल वावल लेके आया था जी, उनको देने के लिए। अच्छा, ये देखिए चावल वगैरह है, सब कुछ है जी। तो देने के लिए आया था, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी दोनों तरफ से रोक दिया, इधर बानाहाट भी रोक दिया, इधर बीरपड़ा भी रोक दिया, दोनों तरफ से। बीच में हम फॉरेस्ट के बीच में है, मुझे ना फॉरेस्ट से आगे निकलने दे रहा है ना इधर जाने दे रहा है। मैं प्रशासन पता नहीं क्या सोच रहा है, ये तो इस समय तो ये दुख के घड़ी में सब मिल के काम करना चाहिए, हाथ बटा चाहना चाहिए, चाहे NGO दे, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी दे, हमें कोई रोक टोक नहीं करना चाहिए, जिसका जिसको जितना दे सके लोगों का इस समय खड़ा होना चाहिए, दुखी परिवार के पास खड़ा होना चाहिए, उस जगह हम लोग को रोका जा रहा है। बहुत दुख का बात है, ये सरकार पता नहीं क्या नीति चल रही है, केंद्र सरकार का इतना सामग्री आ रही है पूरा राज्य के लिए, लेकिन ये राज्य हमारा राज्य का कोई भी बेकारी सबको आज का दिन में राशन नहीं पहुंच रहा है, ये, और ये, मैं राशन देने के लिए आया था और मुझे पुलिस प्रशासन से रोका जा रहा है। ये सामान क्या केंद्र से आई है कि अपने सैलरी से दे रहे हैं? मैं अपना सैलरी से दे रहा हूँ। अच्छा, धन्यवाद। ऐसे बहुत सारा टी गार्डन में मैंने अपना सैलरी से निकाल के दे रहा हूँ, आज इसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार कर रहे हैं, राज्य सरकार के करने के जगह में आज वो नहीं कर रही है तो हम लोग कर रहे हैं, तो उसको जो बाधा दे रही है, आखिर में क्या कैसे ये देश चलाएगी, हैं, ये कैसे राज्य चलाएगी, इससे राज्य चलता है सबसे मिल के आपस में, जो भी देना चाहिए, चाहे NGO दे रहा है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी दे, जनता को जितना मिले उतना अच्छा। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद।